सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरे मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर में मैं पुनः आ गई और आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर को आपको बताना है और इसको आज समाप्त करना है। आप लोग जैसे हो इस चैप्टर्स को जहाँ तक मैंने दिया है उसके बाद भी आप इसको पढ़ेंगे तो आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के उन राज्यों के बारे में बताना चाहती हूँ जहाँ भारत में ये साक्ष्य इसके मिले हैं। तो मुख्यतः भारत के 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, यानी 1000 से ज़्यादा प्रदेश भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से घिरे हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो साक्ष्य मिला है वो गुजरात से मिला है। वैसे इसकी शुरुआत हो जाती है पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर से इसकी शुरुआत होती है। तो मैं अभी आपके सामने इस बोर्ड पे 7 को एरो बना के 7 राज्यों में कौन कौन सी जगह कहाँ स्थित है उसका यहाँ पे विवरण दे रही हूँ, इसको आप नोट कर लें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं शुरुआत हो रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में एक शहर है मांडा, यहाँ पे बस सिंधु घाटी के साक्ष्य मिले हैं। उसी प्रकार पंजाब में आपको मिलेंगे रोपड़, संगोल, ये 2 हैं जहाँ पे सिंधु घाटी के साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा है, हरियाणा में बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुर, ये 3 जगह प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और फिर राजस्थान, राजस्थान का कालीबंगा और बालाथल, ये 2 जगह है जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और फिर उत्तर प्रदेश का संगोली, बड़गांव, ये 2 राज्य है उत्तर प्रदेश के राज्य में, ये 2 प्रदेश हैं जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मौजूद हैं। और फिर महाराष्ट्र का दायमाबाद, जिसका जिक्र मैंने मैप से भी किया था, और गुजरात जो मुख्य है, गुजरात, ये गुजरात का ही ये प्रमाण है कि गुजरात में सबसे ज़्यादा एरिया सिंधु घाटी सभ्यता का प्राप्त हुआ है। गुजरात होके ये आपको चला जाता है बलूचिस्तान, पाकिस्तान तक। तो आप यहाँ देखेंगे गुजरात में लोथल, धौलावीरा, सुतकोड़ा और रंगपुरा, ये मुख्य स्थल है जहाँ पर इसके साक्ष्य ज़्यादा मौजूद है। सिंधु घाटी सभ्यता ये वो सभ्यता थी जो भारत की सबसे पुरानी और पहली सभ्यता है और विश्व की 4 सभ्यताओं में भारत का ये सभ्यता भी अपना स्थान रखता है। ऐसे कुछ दिन पहले जो मैंने वीडियो दिया था तो मैंने 2300 ईसा पूर्व BC ईसवी पूर्व की बात कही थी, तो ये 2500 ही आप रखिए। वैसे खोज हो रहे हैं, अभी भी प्रमाण मिल रहे हैं, इसलिए मैंने 2300 BC कहा था। वैसे आप इसको किताब में 2500 BC ही मानेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे संपन्न सभ्यता थी। इसके साक्ष्य और प्रमाण मिले हैं, इन जगहों से प्राप्त हुए हैं कि वहाँ अत्यधिक कौशलों का विकास किया गया था। वहाँ इन शहरों में जब खुदाई हुई थी तो खुदाई करने के क्रम में हमें हमारे मानव जाति के पहले सभ्यता से रूबरू होने का मौका मिला था। तो अब मैं आपको ये विस्तार से इसके चार्ट बताऊंगी कि किस जगह क्या प्राप्त हुआ है। यहाँ पे मैं आपको चार्ट के माध्यम से दिखा रही हूँ कौन सा स्थल किस जगह पे है। और इसी से सवाल आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक प्रमाण है वो प्रमाण ये है कि ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 3 देशों में फैला हुआ है और सबसे ज़्यादा क्षेत्र विस्तार तो हमारे भारत में है, उसके बाद कुछ भाग पाकिस्तान में है और 2 प्रदेश आपको अफगानिस्तान में मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं भारत के इलाकों का जिक्र कर रही हूँ। तो चार्ट के साथ आप देखेंगे तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। जो मैंने लिखी दिया है प्रमुख स्थल हड़प्पा, आज की डेट में हड़प्पा ये आपको पाकिस्तान में है। कहाँ है हड़प्पा? पाकिस्तान में। और लोग कंफ्यूज कर जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा की खोज कहाँ हुई, तो लोग बोलते हैं, लोग टिक लगा देते हैं सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सिंधु नदी के किनारे हुई है, लेकिन हड़प्पा जिस एरिया में पड़ता है वहाँ पे कौन सी नदी है पाकिस्तान की? रावी नदी। तो जब सवाल आए तो आप जवाब ऐसे देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। उसी तरह मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान है, यहाँ अगर सवाल आ जाता है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तब आप देंगे सिंधु घाटी, सिंधु नदी, ठीक है। ऐसे हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है तो आप सिंधु नहीं देंगे, तब आप क्या देंगे? रावी नदी। लोग यही कंफ्यूज कर जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। फिर यहाँ पे है लोथल, लोथल का आपका है भोगवा नदी, ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी। फिर कालीबंगा घाखगढ़ नदी और राखीगढ़ी, ये जो हरियाणा में है, ये भी घाखगढ़ नदी के किनारे है।
और इसी तरह मैंने यहाँ पे नदी दिया है, फिर यहाँ खोज करता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा पहले जो खोजा गया था वो किनके द्वारा खोजा गया था, तो दयाराम सहनी जी के द्वारा 1921 में। मोहनजोदड़ो ये राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। लोथल का रंगनाथ राव जी द्वारा, और कालीबंगा अमलानंद घोष द्वारा, और राखीगढ़ी सूरज भान जी द्वारा। उसी प्रकार यहाँ है चंद्र डोंगा, ये सिंधु नदी के किनारे है। उसी प्रकार यह है बनवाली, ये आपको सरस्वती नदी के किनारे है, हरियाणा का रोपड़। फिर आपको ये सतलज नदी के किनारे है। फिर रंगपुरा अहमदाबाद भादर नदी के किनारे है। सुरकोटा सरस्वती नदी के किनारे है। इसी प्रकार खोजकर्ताओं के नाम भी हमने दिए हैं। तो चंद्र डोंडा जो है अस्तिन मिक और मजुमदार जी के द्वारा खोजा हुआ है। फिर यहाँ पर जिनके नाम मुझे मिले हैं, मैंने भी गूगल से सर्च कर करके खोजकर्ताओं के नाम निकाले हैं। और यहाँ पर आपको सतलज नदी के किनारे जो रोपड़ है यागदत्त शर्मा जी द्वारा, और रंगपुर जो है ये जो साक्ष्य हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, ये आर एस राव जी द्वारा खोजे गए हैं। इस प्रकार से हम जानते हैं कि ये वो जगह है। ऐसे तो हजार से ज़्यादा भारत में इसकी जगह हैं, लेकिन ये जगह वो है जहाँ पे इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं। अब प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगी, जहाँ पर कौन सा सामान कहाँ मिला है, और जैसे चावल के साक्ष्य मिले हैं, लोग उस जमाने में सिंगार करते थे, सिंगार के साक्ष्य मिले हैं, लोग घरों में नक्काशियों का प्रयोग करते थे, चित्रकारियों का प्रयोग करते थे, देवी देवताओं का प्रयोग करते थे, हल का, धातुओं के हल, तांबे के हल का प्रयोग होता था, कांसे का प्रयोग होता था, यानी ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी, तो कांसे का खोज हो चुका था। तो ये सभी मैं आप जगह के साथ एक चार्ट बना के आपको वो भी दे दूंगी, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भली भांति फली फूली सभ्यता किस प्रकार से ख़त्म हो गई, किसी को नहीं पता है इसके बारे में। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि बाढ़ आया सब कुछ समा गया, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्राकृतिक आपदा हुई, भूकंप आया, जमीन में चले गए, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दूसरे देशों की चढ़ाई हुई, लड़ाई हुई, उसमें ख़त्म हो गए। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको जब मैं सभ्यता के कुछ साक्ष्य आपके सामने उपलब्ध करूँगी, जो साक्ष्य खुदाई के दौरान मिले हैं, एक बड़ा सा शहर मिला है उसके साक्ष्य मिले हैं, तब आपको अंदाज़ा होगा कि हम कैसे सिविलाइज्ड, किस तरह से हम सुव्यवस्थित हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था, इसकी जानकारी आपको होगी। और ये सभ्यता हमारे भारत की प्रमुख सभ्यता है, पहली सभ्यता है, और इससे हर प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन आते ही हैं। तो हम इसीलिए भी इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। तो आगे मैं इसके बारे में कहाँ कौन से साक्ष्य मिले, कौन से मुख्य बिंदु हैं, वो मैं आपको एक वीडियो में इसको कवर कर दूँगी। आशा करती हूँ सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़कर आप लोग समझ सके होंगे कि ये सभ्यता बहुत विस्तृत और बहुत अच्छी सभ्यता रही है, बहुत सुव्यवस्थित रही है। इनका शहर नियोजन भी था, वो भी मैं आपको बता दूंगी, ऐसे मैंने आपके बीच में डिस्कस भी किया है। तो इनका जो शहर नियोजन था, इसमें दो तरह के घर होते थे, कहीं बड़े और कहीं छोटे। यहाँ बड़ा जो घर होता था, ये बड़े घर में रहते थे राजा रजवाड़े और बड़े बड़े साहूकार पैसे वाले लोग, और छोटा घर छोटी घरों में रहते थे वहाँ पे काम करने वाले लोग। इस घर की व्यवस्था क्या थी, तो जो राजा लोग जिस घर में रहते थे, इसमें बहुत जगह दरवाजे मिले हैं, सुव्यवस्थित था। दरवाज़ा कैसा होता था, तो गली होती थी, गली में खुलता था दरवाज़ा, और घर पक्के के ईंटों के होते थे, ईंट से बने हुए मकान मिले थे। यानी कि आप समझ लीजिए कि जब रेलवे का ट्रैक बिछ रहा था पाकिस्तान के उस इलाके में, और जब पाकिस्तान में कराची से लेकर लाहौर तक ट्रैक बिछ रहा था, तो इतना ईंट निकला था कि पूरा ट्रैक का निर्माण हो गया था उस ईंट से, पक्के ईंट से। तो ईंट का मकान बनाने का कॉन्सेप्ट आ गया था, ठीक है। और इसी तरह छोटे जो घर होते थे वो कच्चे ईंट के बने होते थे, इनका भी प्रमाण है। तो यानी कि उस समय वर्ण व्यवस्था हो गई थी, अमीर गरीब का भेद आ गया था। ऐसी और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं जो मैं अगले चैप्टर में आपको बताऊंगी, नहीं तो चैप्टर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, दिक्कत होगा, अगले चैप्टर में इसको कंप्लीट करूंगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।